दोस्तों इस तरह डिजाइन बनाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं आर्ट पेन में। यहाँ से जाएंगे ओपन में और यहाँ से देखिए ये फाइल है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ से बाय डिफॉल्ट रखते हैं और यहाँ से मैक्सिमम कर लेते हैं। इसको यहाँ से जाएंगे क्रिएट पॉलीलाइन में और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद क्रिएट पॉलीलाइन में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एन और बी, इसके बाद ए कर देंगे तो ए आर में चेंज हो जाएगा। ए ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। अब इसको बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे और यहाँ और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट एम और बी और इसके बाद आर्क ए प्रेस करेंगे, आर्क में ऐसे चेंज हो जाएगा और ऐसे। ओके, दूसरा बनाते हैं नीचे वाला, इसको ये इस थोड़ा नीचे रहेगा, यहाँ से हम बनाएंगे, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ तक राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट एन और बी और इसके बाद आर्क और इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए यहाँ से सबसे पहले ये वाला, ये चीज गलत हो रहा है, देखिए ये हमारा ये बिल्कुल इस पॉइंट पे होना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रखेंगे और ये देखिए ये यहाँ पे हो गया। अब केवल दूसरा बनाते हैं, इसकी प्रेस करते हैं और एक पॉली लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ और ये यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट एन और बी, इसके बाद ए, इसको और ये चीज यहाँ पे ऐसे, फिर दोबारा लेते हैं पॉली लाइन और इसके नीचे वाले को बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे और यहाँ राइट क्लिक किया, सेलेक्ट एन बी और ए, थोड़ा अंदर ही रखेंगे ऐसे, यहाँ पर भी ए प्रेस करेंगे ये ऐसे। ओके, अब इस इसको बनाएंगे, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट एंड प्रेस करेंगे, इसके बाद में आर्क, यहाँ पे बी प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे खींच लेंगे इसको अंदर और यहाँ पे बी प्रेस करेंगे ऐसे। ओके, इसके बाद यहाँ पे एस प्रेस करेंगे स्मूथ के लिए। अब देखिए ये अंदर चला गया, तो इसको बाहर लाने के लिए हम इसको ऐसे खींच लेंगे यहाँ तक और इसको और थोड़ा ये पकड़ के यहाँ तक रखेंगे और इसको ऐसे।
अभी नीचे वाला वेक्टर बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सीधा राइट क्लिक करते हैं। इसको हम यहाँ तक खींच के बनाएंगे जहाँ तक ये है। देखिए हमारा यहाँ तक है, तो इसको भी हम यहीं तक बनाएंगे यहाँ तक। अब इसको एन प्रेस करते हैं और बी ऐसे, इसके बाद में आर्क में चेंज कर लेते हैं ऐसे। इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे, इसको एस प्रेस करेंगे ऐसे स्मूथ। यहाँ पे देखिए एन, और इसको हम यहाँ पे इसके बराबर में रखेंगे और इसको थोड़ा ऐसे अंदर की साइड में से आर के तरीके में रखेंगे। ओके, अब इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सेलेक्ट किया, एंड प्रेस किया, इसके बाद में ए अब देखिए इसको स्मूथ करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखिए थोड़ा ये गया, तो इसको खींचेंगे यहाँ पर भी देखिए थोड़ा ये, तो इसको ऐसे खींच के एडजस्ट कर लेंगे और ये चीज हमारा छोटा कर देना है। अभी नीचे वाला बनाते हैं वेक्टर, तो इसको देखिए यहाँ से सेलेक्ट, सेलेक्ट किया एम और बी, ऐसे ओके। अब क्या बचा हुआ है, देखिए ये वाला बचा हुआ है, इसको भी हम बना ले रहे हैं। इसको यहाँ सेलेक्ट करके, और ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर ही होगा, तो यहाँ और भी इसको
राइट क्लिक किया सेलेक्ट, इसके बाद में एन, इसके बाद बी, फिर इसको बी किया और ऐसे ओके। अब इसको मिरर कर लेंगे और इसको भी बना लेंगे इसी साइड। देखिए यहाँ से इसको सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक किया सेलेक्ट, एन प्रेस किया, बी प्रेस किया और ए प्रेस किया, ये इधर हो गया। और इसको ए प्रेस करके इधर यहाँ पे कर लेंगे ओके। और ये वाला छोटा वाला बचा हुआ है, इसको भी बना रहे हैं यहाँ से ये और ए सेलेक्ट एन, उसके बाद में ए, तो इसको थोड़ा इधर रखेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है। ओके ऐसे इसको हो सकता है तो बाद में फिर चेंज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाते हैं ऐसे ही पहले। अब देखिए ये बचा हुआ है, इसको हम इधर मिरर कर देंगे और ये बचा हुआ है तो इसको भी हम बना ले रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया सेलेक्ट एन, इसके बाद ए और यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे और इसको कर दिया स्मूथ, इसको भी स्मूथ, इसको भी स्मूथ ओके। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रोटेट एंड कॉपी पे और यहाँ पे पिक सेंटर पॉइंट और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आठ नंबर से आपसे अप्लाई कर देते हैं, इस तरह से कॉपी पेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके इन सबको और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे अबाउट द लाइन हेल्प ऐसे मिरर कर देंगे ओके। अब क्या करेंगे, हम देखिए इसको 3D में कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसका रेजुलेशन ज़्यादा नहीं है तो हम दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, तो इसको सबको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं ठीक है। अब जाते हैं दूसरे पेज पे, तो चलिए यहाँ से दूसरा पेज ओपन कर ले रहे हैं। और यहाँ से हम पेज ले रहे हैं 1000 by 1000 का, 1000 by 1000 का, अब देखिए इसको बड़ा करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ये हमारा आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये शायद एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे डबल क्लिक करेंगे, इसको स्क्रीन को हम थोड़ा ऐसे छोटा करके अप्लाई कर देते हैं ओके। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, क्लोज करते हैं। अब इसके लिए हम इसका बनाते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक किया और हल्का सा ऐसे ऐसे बनाएंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और ये ऐसे ओके। और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पॉइंट कर देंगे। अब दूसरा भी इसका इसी तरह बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे और इसका हाइट कितना है इतना हम इसको ऐसे रखेंगे। देखिए थोड़ा सा और ऊपर चेंज एंड प्रेस करके ज़्यादा ऊपर जा रहा है,
हम इसको इसके बराबर ही रखेंगे। ओके अब इसको पढ़ के सॉरी इसको सेलेक्ट करके और इसको ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे इसको एंड प्रेस करेंगे और इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे इस पॉइंट पे कर देंगे। ओके अब इसको सेलेक्ट ये देखिए थोड़ा सा ये इधर झुका हुआ था, इसे झुका नहीं चाहिए, सीधा चाहिए बिल्कुल, इस साइड में झुका रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं। अब इसकी प्रेस करते हैं और यहाँ पे जाते हैं इधर कमांड पे और यहाँ पे टॉप पे कॉपी कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे ये पहले लेयर है, पहले लेयर पे हम इसको बना लेंगे और दूसरे लेयर पे हम इसको बनाएंगे, तीसरे लेयर पे इसको बनाएंगे, क्योंकि जब हाइट एडजस्ट करना होगा तो हम ऐसा कर पाएंगे इस तरह आसानी से। तो देखिए लेयर नंबर वन है तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम टाइल वर्टिकल कर लेते हैं जिससे हमको आसानी से दिखता रहेगा और यहाँ से अप कर देते हैं इसको। ओके अब इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको और यहाँ से ऐड ये दोनों हो गया। अब इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके और इसको और यहाँ से ऐड ये हो गया। अब ये दोनों बचा हुआ है इसको भी ऐड कर लेंगे। ओके अब यहाँ से हम लेंगे लेयर नंबर टू, ये लेयर नंबर वन है यहाँ से देखिए और ये लेयर नंबर टू है। लेयर नंबर टू में हम बनाएंगे इसको इन दोनों को। ओके तो इसको सेलेक्ट पहले करके शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे यहाँ टू डेल शिफ्ट कमांड। इसको टू डेल शिफ्ट कमांड ये है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए इनका डायरेक्शन एक साथ में होना चाहिए और यहाँ पे हम करेंगे हाईएस्ट में करने के बाद कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे देखिए ये यहाँ जो रिलीफ है यहाँ पे हम इसमें मर्ज हाइट यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ तब शो करेगा इस तरह से। ओके तो अब फिर दोबारा इसको यहाँ से रिसेट करते हैं और दूसरी लेयर पे काम करते हैं। अब देखिए अब इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके और इसको और साथ में ये और इसके बाद सेलेक्ट करते हैं फिर वही चीज़ और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे एक और दूसरा लेयर लेंगे यहाँ से लेयर ले लिया। ओके अब हम बनाएंगे इन दोनों को, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। अब यहाँ से पहले रिसेट कर ले रहे हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाते हैं सेलेक्ट और देखिए इसका डायरेक्शन अलग है तो इसको हम पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे। किसी किसी में यहाँ पे फंक्शन देता है तो हमारे में नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे रियल वेक्टर कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट अब एक डायरेक्शन में हो गया दोनों, इसके बाद में ये सेलेक्ट करेंगे ऐड क्रॉस सेक्शन और कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो है इन साइड में ज़्यादा है तो इसके लिए हमने आपको बोला था कि ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और फिर से हम बताते हैं आपको। देखिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है डबल सॉरी और एंड प्रेस करना है और एंड प्रेस करने के बाद में इसको पकड़ेंगे एंड प्रेस करना है और इसको थोड़ा ऐसे रखना है इस तरीके से। ओके और फिर दोबारा हम इसी को बना रहे हैं, देखिए कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस किया ये और ये यहाँ से गए और यहाँ से कैलकुलेट। तो आप देखिए ये
वही चीज़ इस तरह से बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था इसका, तो इसके लिए बिल्कुल आर्क में नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, जब आप बनाइएगा तो आप आसान इसको इसको तो देखिए। अब इसके बाद इसको रिसेट करते हैं और इसको उसी तरह करते हैं, सिर्फ प्रेस किया ये, इसका भी डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा। राइट यहाँ क्लिक करते हैं और इधर वेक्टर इसको सेलेक्ट करते हैं ये, और ये सेलेक्ट, और यहाँ पे कैलकुलेट ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए ये दोनों अंदर चला गया। अब इसी तरह इसको भी करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, और ये देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो बस हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, बस हो गया यहाँ से कैलकुलेट। देखिए वही चीज़ हो गया ना। अब यही चीज़ इसको रिसेट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट, और ये, और यहाँ से फिर कैलकुलेट। ओके, इस तरह से हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे और यहाँ से ऐसे। अब देखिए क्या यहाँ बीच में गैप दिख रहा है, जबकि ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको भी हम बना ले रहे हैं। देखिए ये चीज हो गया। अब क्या करेंगे, एक और नया लेयर लेंगे, ये नया लेयर है। अब इस पे हम इसको बना रहे हैं, ये चीज, ये फ्लावर जो है इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइल वर्टिकल पे कर रहे हैं, देखिए फ्लावर बनाए। अब इसको पहले हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऑफसेट में, और यहाँ पे 4 mm का। देखिए अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को और यहाँ पे जाएंगे ऑफसेट में, और यहाँ पे 4 mm का ऑफसेट डालेंगे, और यहाँ से इनवर्ट में करके ऐसे ऑफसेट कर देंगे। इसके पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मॉडल में जाएंगे और सेव एडिटायर, सेव एडिटायर में, और यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे। देखिए ये ऐड हो चुका है, जबकि ये लेयर हमारा दूसरा है। ओके, और यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे, अरे हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है, और यहाँ पे 2 mm का 4 mm का ऑफसेट लेंगे, यहाँ पे ऑफसेट अभी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे 65 mm का सबट्रैक्ट कर देंगे। देखिए ये इतनी सबट्रैक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, 2 mm का ऑफसेट लेंगे यहाँ पे दोबारा, ये सेलेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ से 2 mm है। अब इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 40 mm डाल के ऐड कर देंगे। देखिए ये इसी तरह है, ये बन चुका है। ओके, यहाँ से आप ऐसे करके देख सकते हैं, वही चीज़ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक सेंटर में इसको क्लोज करते हैं, सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे ऐसे, इतना साइज का। ओके, राइट क्लिक करते हैं और इसको जाके ऐड करते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे मर्ज हाइट करना था, तो कंट्रोल जेड करते हैं और इसको मर्ज हाइट पे करते हैं। देखिए ये हो चुका है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर है तो और हम कम करके रखेंगे। इसको यहाँ पे हम 30 कर देंगे और यहाँ से मर्ज हाइट करेंगे। ओके, और देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो इसको हम कंट्रोल सेट करते हैं और यहाँ पे हम और बढ़ा देते हैं 40, और मर्ज हाइट कर देते हैं, तो ये हमारा लोगो ठीक है। ओके, अब इसको करते हैं क्लोज, और ये हमारा लेयर है हो चुका है। अब इसको करते हैं बड़ा, अब यहाँ से फ्रंट करते हैं,
अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये चीज हमारा गैप दिख रहा है, तो अब यहाँ पर भी थोड़ा हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और एक नया सबका मिक्स करके एक नया लेयर बनाएंगे यहाँ से, तो मर्ज विजुअल लेयर यहाँ से क्लिक करेंगे, ये दूसरा लेयर बन चुका है। अब देखिए इसको आपको आप कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ये पूरा दिख रहा है। अगर इसको आप करेंगे तो पूरा का पूरा आप हो जाएगा ऐसे। ओके, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं ये, और यहाँ से देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको ऐसे स्मूथ कर देंगे। यहाँ से अप्लाई करेंगे, यहाँ से फिनिश करेंगे, फिनिश। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हो चुका है, और आप चाहेंगे तो इसको भी कर सकते हैं, तो हम बाद में करेंगे, अभी कर ले रहे हैं। देखिए इसको हल्का करने छोटा करने के बाद, अभी छोटा बिल्कुल छोटा करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे ऐसे, और आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं स्मूथ। ये शॉर्ट कॉर्नर है तो इसको इसमें कर सकते हैं जैसे चाहिए, आपकी जैसी इच्छा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से अप्लाई करते हैं, यहाँ से फिनिश करते हैं, फिनिश। देखिए हमारा मॉडल बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट और कॉपी करेंगे, तो इसके लिए हम इसको दूसरे पेज पे लेके जाएंगे और इसको हम रिलीफ में सेव कर लेंगे। तो यहाँ हम जाते हैं और ये है हमारा सेव, और यहाँ से मान लीजिए कि हम 10 नंबर है, तो हम कौन सा T16 कर ले रहे हैं, T16 से सेव कर रहे हैं, सेव। और देखिए यहाँ से माफ करते हैं और इसको ऑन करते हैं, ये फ्लावर का हो गया, और ये चीज का ही हमको मिरर करना है, तो हम इसको अलग से एक बना लेंगे मर्ज करके। तो ये लेयर आ चुका है, ये वाला लेयर है, तो हम इस सबको आप कर देंगे। देखिए ये लेयर है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से ही हम सेव कर ले रहे हैं, ये 16 था तो 17 कर ले रहे हैं, और यहाँ से सेव कर ले रहे हैं, और एक फ्लावर वाला बस ही सेव करेंगे, और इसको एक सेव कर ले रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से 18 नाम से सेव कर लिया। ओके, अब जाते हैं न्यू पेज पे, न्यू मॉडल पे, और ओके करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जाएंगे और ये है हमारा फ्लावर को पहले ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ से कर ले रहे हैं सेंटर, और यहाँ पे करते हैं पहले टाइल वर्क के कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखते रहिए आप, ये हमारा बने हुए है। और यहाँ से करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ से करते हैं क्लोज,
अब जाते हैं फिर दोबारा और इसको करते हैं ओपन। और ये है हमारा देखिए यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा और अंदर करेंगे ऐसे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज हो ही गया है। अब यहाँ पे कॉपी पे जाएंगे और यहाँ से कॉपी रोटेट, और यहाँ पे जो पॉइंट देना है वही देना है। तो हमारा पेज जो लिया था हमने 1000 का लिया था, तो हमने यहाँ 500 डाल देंगे तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में बनाना है हमको, चार भागों में बनाना है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और इसके बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये इस तरह से बन चुका है। और इसको हम करते हैं क्लोज और इसको करते हैं मैक्सिमम। और देखिए दोस्तों ये हमारा बन चुका है इस तरह से। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप हाइट इसको कम भी कर सकते हैं। हाइट कम करने से पहले आप जब रिलीफ में सेव कर रहे थे उस टाइम में ही आप इसको कम कर लीजिएगा, तो ये बराबर बिल्कुल इसके बराबर में बन जाएगी। ओके दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।